जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अनुराग कश्यप का जो सिनेमा है वो बहुत ही अलहदा अलग तरह का है। वो खुद ही अपनी फिल्मों से हमें चौंकाते रहे हैं और खुद को भी चौंकाते रहे हैं, क्योंकि कहानी कहने का स्टाइल और उनकी जो फिल्म मेकिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो किसी बात से डरते नहीं हैं, बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है वो उन्हें डराता नहीं है। तो ये जो फिल्म है उसमें उन्होंने एक अलग तरह का रंग भरा है, और जैसा कि उन्होंने उसके ट्रेलर लॉन्च में भी कहा था कि वो अपनी बेटी जो अभी किया है आलिया उससे प्रभावित है ये फिल्म। उसके कहने पर उन्होंने उसकी चीज़ें जो यंगस्टर्स हैं उनके बारे में सोचा और उसके बाद उसको अपने सिनेमा में ढाला। तो फिल्म की जो कहानी है वो दो जोड़ों की अलग अलग कहानी है, एक जो विदेश में है और जो देश में। देश वाला जो जोड़ा है वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ऑनर किलिंग पर बेस्ड था, और उसको ये कह सकते हैं कि उसमें उन्होंने प्यार का रंग भरने की कोशिश की, लेकिन जो सराउंडिंग्स है वो प्यार को नहीं समझ पाता है, वो दो युवा दिलों की धड़कनों को नहीं समझ पाता है। उनके लिए जात पात और उनके लिए स्टेटस बहुत मायने रखता है। यही चीज़ पर वो चीज़ कहीं बदली नहीं थी, उन्होंने जो विदेश में भी दिखाया है जोड़े के बारे में उसका भी कुछ इसी तरह का कनेक्शन था। वहाँ पर जो लड़का था वो थोड़ा कुछ अलग का है, पंजाबी सरदार, तो वो उनका उसका और जो अलाया का प्यार है वो कुछ अलग तरह का था, अलग सिचुएशन में था, और ये प्यार अलग सिचुएशन में था। लेकिन जो मूलतः इस कहानी में सबसे अच्छी बात थी वो थी इमोशन, जो कभी कभी जैसे उनकी कुछ फिल्मों में गायब रहे अनुराग कश्यप में, वो चीज़ उन्होंने कहीं भी नहीं छोड़ी। तो वो प्रेमी युगल का जो प्यार था बहुत, उसकी प्योरिटी, उसकी जो थीम है और इमोशन बहुत मायने रखती है, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से दर्शाया। फिल्म कुल मिला के जो नई युवा पीढ़ी है उसे बहुत लुभाएगी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरे परिवार साथ मिल के देखेगा, वैसी फिल्म नहीं है, लेकिन पूरे परिवार को देखना चाहिए, क्योंकि इससे वो नई पीढ़ी को समझ पाएंगे और उनके हिसाब से उस तरह का व्यवहार कर पाएंगे। तो ये पिता को ही का ही ट्रिब्यूट नहीं था उसकी बेटी के लिए, मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म देख के हमें भी चेंज करना चाहिए अपने व्यू को, और अपनी आने वाली पीढ़ी पर अपने विचार ना थोपे इस पर। और मुझे ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी लगी। बस अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत देखी है, और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वी आर ऑलमोस्ट डेड आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि इट्स नॉट रियली अ ग्रेट फिल्म, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से इट्स अ बैड फिल्म। अक्सर हम ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट जब एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा हो तो दुर्भाग्य से बोलना पड़ता है। अनुराग रिटन बाय एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, जैसे कि कुछ साल पहले हमने देखा था कि अनुराग कश्यप ने मनमर्दिया डायरेक्ट की थी, वो भी एक लव स्टोरी थी, क्योटिक लव स्टोरी की क्या, लेकिन वो फिल्म की राइटिंग तो कनिका डिलन ने की थी, और यहाँ पे लेकिन राइटर और डायरेक्टर खुद अनुराग कश्यप है, और वही जैसा बेटा एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल से 80 और 90 के दशक में होता था, ऑन रिच गर्ल पुअर बॉय, या फिर यू नो वही कॉन्सेप्ट है, और एक इंटरफेथ लव स्टोरीज का एंगल है। ज़ाहिर है जैसे जब इंटरफेथ का नाम आएगा तो जब जिहाद की बात होगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट लगता है कि शायद लोग ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्म या चर्चा इसलिए करते हैं कि कंट्रोवर्सी हो और उस कंट्रोवर्सी से उनका लाभ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस चीज़ से कुछ इस फिल्म को लाभ होने वाला है। बिकॉज ओवरऑल आई थिंक कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा वही जैसा पुराना है, बेनल है, और इसकी राइटिंग बहुत ही डल है ये है। और जो इसके एक लीड एक्टर है करण मेहता, जिनके बारे में हमने सुना है शायद पंजाब के किसी डायरेक्टर के बेटे हैं, और ही इज़ वेरी वेरी अंडर कुक मैं कहूँगा, और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर उन्हें बतौर एक्टर है अपना करियर हिंदी सिनेमा में जमाना है। बस फिल्म की आई थिंक जो एक प्लस पॉइंट कहूँगा तो वो है अलाया एफ,
जिन्होंने अभी तक थोड़ी थोड़ी फिल्मों में उन्होंने जो काम किया है, और शी इज़ वेरी गुड. आपके आपको इस फिल्म में उनके तीन शेड्स देखने को मिलेंगे. दरअसल दोनों जो हीरो हीरोइन हैं उनके डबल रोल है, और हम शक्ल है. और ज़्यादा कुछ खुलासा तो मैं करूँगा नहीं कहानी का, बट अलग अपना जो शेड्स है उनके जो दो रोल है, और फिर एक जो वो सलोनी अम्मी का जो एक पॉपुलर यूट्यूबर है, तो उनका जो एक मैं कहूँगा एक ट्रिब्यूट जैसा है वो अच्छा है. बट ओवरऑल फिल्म की कहानी इतनी कमज़ोर है और स्क्रीन प्ले इतना बोरिंग है कि बस पठान फिल्म में जैसे हमने देखा था सलमान खान शाहरुख खान साहब को एक पेन किलर देते हैं, तो मुझे लगता है ये फिल्म के लिए आपको सिर्फ पेन किलर या खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको वैसे ही नींद आ जाती है. तो आई वुड से वेरी डिसअपॉइंटिंग फिल्म, और एक फंडामेंटल लेवल पे आई थिंक सवाल खड़ा होता है कि ऐसी स्टोरीज़ करके आई थिंक डायरेक्टर राइटर क्या साबित करना चाहते हैं. कि हम जानते हैं ऑब्वियसली कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, यू नो हर एक समाज में ऊपर नीचे हो रहता है, और क्योंकि इंडियन सोसाइटी इतनी मल्टी डाइवर्स है, और ये जो लाइन है आई थिंक कि मोहब्बत से ही क्रांति आएगी, और जब आप इस आप एक रिबेलियस एटीट्यूड के साथ जाते हैं और फिर आप यू इन्वॉल्व कम्युनिटीज, तो मेरा बस मैसेज है टू सच फिल्म मेकर्स कि आप हमेशा मोहब्बत क्यों देखते हैं, आप क्रांति क्यों देखते हैं, आप शांति की बात करिए. शांति तभी आएगी जब सभी वर्ग के लोगों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहेगी. आई थिंक द नीड ऑफ द आर इज़ नॉट मोहब्बत, इट इज़ रिस्पेक्ट. वही आप 80s, 90s का कॉन्सेप्ट लेके आप ये च्युइंगम को कितना खींचेंगे. तो हमें तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, सच बताओ तो फिल्म से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी ये था कि शायद अनुराग कश्यप है, कि उनकी फिल्मों में कुछ ना तो कुछ थोड़ी बहुत बात रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अनुराग कश्यप के करियर की सबसे सबसे मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फिल्म है. तो हम इसे देते हैं सिर्फ 5 में से एक्स्ट्रा.